नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। आई कोरोना संक्रमण के कारण धुनसा में एक गोटे के मृत्यु हुए संबंधी प्रशंसा। पिछला 24 घंटा में धुनसा में आई 18 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि हुए। जिला प्रशासन कार्यालय धुनसा उपलब्ध कराने तथ्यांक अनुसार शुक्र दिन धरि धुनसा में कोरोना संक्रमित के संख्या 697 रहल में आई 18 थौ भेल अछि तऽ आई धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 619 रहल अछि। धुनसा में ठीक होवला में 95 गोटे रहल तथ्यांक रखलक अछि। आई 105 गोटे पीसीआर परीक्षण कराने में 18 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल तथ्यांक में उल्लेख अछि। तहिना कोरोना संक्रमण से आई एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होवला में जिला के और ही गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 रहनिहार 73 वर्षक पुरुष रहल आ हुनकर जानकी हेल्थ केयर में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जनाओल गेल अछि। धुनसा में संक्रमित में से 572 गोटे होम आइसोलेशन में इलाज करा रहल अछि। सामान्य इलाज में रहल के संख्या 24 रहल अछि। तहिना आईसीयू में इलाज करा रहल संक्रमित के संख्या 23 पहुँचल अछि। धुनसा में एखन धरि कोरोना के कारण मृत्यु भेल के संख्या 104 पहुँचल अछि। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल बागमती प्रदेश सरकार लौने बजट संहिता के सुदृढ़ बनाबक निभक कमजोर बनेबाक देखल गेल टिप्पणी कलक अछि। आई काठमांडू में प्रदेशवा सरकार सार्वजनिक कने बजट के विषय में कांग्रेस संसदीय दल बागमती प्रदेश आयोजना कने विमर्श कार्यक्रम में इंद्र बहादुर बानिया बागमती प्रदेश सरकार संहिता मजबूत बनेबाक से बेसी कमजोर आ अंकुश लगेबाक जका बजट लौने टिप्पणी कलनि अछि। ओ बजट में सरकार खोप के उचित व्यवस्थापन कर नहीं सकल आ बजट में सेहो खोप के विषय में स्पष्ट बात नहीं रहल जिक्र कलन। बानिया कोरोना महामारी बादक अवस्था में जनता में पड़ल समस्या में सेहो सरकार मौन देखल गेल आरोप लगलन। तहना ओ बजट के देखला पर समृद्धि के यात्रा में आगा बढ़ नहीं सकबाक आ जनता प्रति सेहो लक्षित नहीं देखल गेल बतलन। संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने भन्दा दिन प्रतिदिन अंकुश लगाउने कमजोर गराउने यो बजेटभित्र देखिएको छ। किनभने अब सञ्चार मिडिया प्रदेश सरकारले आफै खोल्ने भनेको छ। पहिलो कुरा यो प्रति नेपाली काङ्ग्रेसको विमति छ। यो सरकारको काम चाहिँ आफैले चाहिँ एउटा चाहिँ मिडिया हाउस खोलेर कि आफ्ना कुरालाई भएका नभएका कुरालाई काम नगरेका कुरालाई पनि गरेको भनेर प्रचार गर्ने सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनाको कुरा गर्ने तर हकिकतमा बजेटमा त्यो कुरा नआउने सुरुङ मार्ग बनाउँछु भन्ने सुरुङ मार्गको लागि 75 अरबको इस्टिमेट छ। 17 अरब रुपियाँको इस्टिमेट छ। बजेट छुट्याइएको छ 75 करोड। त्यस कारणले यो सरकारले काम गर्छ कि कुरा गर्छ भन्ने कुरा सुरुङ मार्ग। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा कांग्रेस सदस्य सब आ स्थानीय तहके कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सबके सहभागिता रहल छ। बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के लेल कुल 57 अरब 72 करोड़ 9 लाख 27 हजार रुपया बराबर के बजट सार्वजनिक कयने अछि। नेपाल में आई थप 24 से 1 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 7010 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1688 आ 4686 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 713 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,45,209 पहुँचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 34 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होवला के संख्या 8,675 पहुँचल अछि। तहिना थप 3,660 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 553,342 गोट कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 57,618 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 441 गोट क्वारेंटाइन में अछि। तहिना एखन धरि 32,62,589 टा पीसीआर आ 1,38,313 एंटीजन परीक्षण कयल गेल अछि। लागू औसत घटना में मिसिले परिवर्तन के आरोप में जिला प्राधिकारले धुनसा प्रारूपीक्षक एसपी प्रकाश राणा भाट ऊपर अनुसंधान शुरू भेल अछि। 4 महीना पहले अर्थात मिथिला फागुन 8 में धनुषा प्रहरी मातहत रहल इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर बटेश्वर सब प्रतिबंधित लागू औसत नाइट्रोजन भैट सहित 3 गोटे के पकड़ाव कयने छल। ओहि घटना में एसपी राणा भाट अवैध लाभ में मिसिले परिवर्तन कऽ कऽ मुद्दा कमजोर बनाबक खोजने कहे प्रहरी प्रधान कार्यालय में उजुरी पड़ल छल। उजुरी पड़लाक बाद प्रहरी प्रधान कार्यालय छानबीन समिति गठन कयने छल। एखन ओ छानबीन समिति से धुनसा में जाकर अनुसंधान प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल
देखल गेल अछि। एसपी रानाघाट विरुद्ध उजुरी पड़ल अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय के एक प्रहरी अधिकृत कहलनि एखन किछु कह सकबाक अवस्था नहि अछि, लाभ लेने पुष्टि भेल तऽ कार्रवाई होयत। लागू औसत सहित पकड़ाव पड़ैवला मे मोहतरी के मनरा सिसवा रानिहार 21 वर्षक, केशव सिंह 20 वर्षक, रोशन ठाकुर आ सहील सिंह रहल छल। ओसब बटेसर गाँवपालिका दू धुमासन से पकड़ाव पड़ल अछि। पकड़ल गेल हुनका सबके संग से 380 थान नाइट्रोजन भैट बरामद भेल छल। तहिना प्रहरी ओसब चढ़ल J7P1574 नंबर के होंडा साइन मोटरसाइकिल सेहो नियंत्रण में लेने अछि। सप्तरी में 9 वर्षक बचिया के आई विभत्स हत्या भेल अछि। डाकनेश्वरी नगर पालिका 3 तरही रहनिहार राम उद्गार यादव के पुत्री शिवानी कुमारी के हत्या कयल गेल अवस्था में भेटल। तत्कालीन तरही गांव के पूर्व अध्यक्ष शोभानंद राय जानकारी देलनि। परिवार के सदस्य के अनुसार शिवानी 5 वर्षक बहिन संग बकरी चराबक गेल घर से निकलल छले। सामान्य पानी पड़े लगलाक बाद बहिन के घर पठा कर पूर्वी टोल स्थित फुलबाड़ी में हवा से गिरौने आप बिछा गेल शिवानी के हत्या भेल। स्थानवासी से बतौलक अछि। प्रहरी उपीक्षक राजेन्द्र प्रसाद धमला घटनास्थल पहुँच कर अनुसंधान शुरू करने बतौलनि। अनुसंधान के सहयोग कर तालीम प्राप्त कुकुर से मंगाओल गेल। प्रहरी उपीक्षक धमला बतौलनि आसपास के खेत में धान रोप वाला हर जोत वाला सब रहल रहितो कियो गोटे के किछ मालूम नहीं रहल बतौने अछि। लास्ट पोस्टमार्टम के लिए धान स्थित बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्य न्याय अधिवक्ता दीपेंद्र झा अपन राजनामा के विषय में कियो गोटे अफवाह फैलौने प्रति गंभीर आपत्ति जनौलक अछि। वो अपने राजनामा देवाक मूड में या तैयारी में रहल से विषय अपना के मालूमे नहीं रहल बतौलनि। वो कहलनि हम राजनामा दऽ रहल छी से बात हमरा नहीं मालूम अछि। मुख्य न्याय अधिवक्ता झा सामाजिक संजाल में लिखने अछि हम राजनामा देवाक मूड में या तैयारी आदि भ्रामक समाचार हम कोनो ठाउँ में देखनौ अइ संबंध में हमरा कहीं कतौ कोनो जानकारी नहीं रहल, केओ गोटे पूछने या बात कयने नहीं रहल अछि। एहि कारण से एहन समाचार केओ गोटे कोन प्रयोजन के लेल लिखने अछि से बात अपना के जानकारी नहीं रहला से अइ बात के खंडन करैत छी। काम विशेष से राजधानी काठमांडू में रहल जानकारी दे दो भिनसरे अपने एहन भ्रामक समाचार देखलाक बाद अपने आश्चर्य में पड़ल बतौलनि। आपके किस दिन देश भर रौद के अवस्था कायम रहबाक भेल अछि। सक्रिय रहल मानसून किछ मत्थर भेल संगे आकाश में रौद उगल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि मौसमविद शांति करेल कहली भिनसर के समय बहुतो स्थान में रौद उगत, बेरिया या रात वर्षा हेबा क्रम किस दिन रहत, पूरे मौसम सुधार नहीं है। उनका अनुसार पश्चिमी दिस मानसून के न्यूनचापीय क्षेत्र की रेखा एखनो नेपाली दिस सोझरायल अछि। ऐसा ही रेखा ऊपर नीचा होइत रहत, ओहि कारण देश के किछ क्षेत्र में भारी वर्षा के संभावना कायम में रहल महाशाखा जनौलक अछि। अन्यत्र हल्का से मध्यम वर्षा हेबाक अवस्था देखल गेल अछि। महाशाखा के अनुसार शनि दिन रवि दिन आ सोम दिन प्रदेश 1 गंडकी लुम्बिनी बागमती आ पश्चिमी क्षेत्र में भारी वर्षा के संभावना अछि। रवि के क्षेत्र में अति भारी वर्षा हो सकबाक भेला से सतर्क रह कहल गेल अछि। एक हफ्ता लगातार के वर्षा से पहाड़ी क्षेत्र के माटि भिज चुकल अछि। ऐसे सेहो फेर वर्षा भेला पर हल्का वर्षा से सेहो भूस्खलन आ सूखा भूस्खलन जा सकबाक भेला से पहाड़ी क्षेत्र में थप सावधानी के आवश्यकता रहल महाशाखा उल्लेख कयने अछि। वर्षा के क्रम जारी रहला से खहरे आ छोट नदी में आकस्मिक बहाव आ पैघ नदी के स्तर में बढ़ोतरी हेबाक भेला से तटीय क्षेत्र के बासिंदा के सतर्क रह कहल गेल अछि। नेपाल ओलंपिक कमिटी के आ स्पोर्ट फॉर ऑल कमीशन शनि दिन ओलंपिक डे 2021 मनौलक अछि। सादो बाटो स्थित कमिटी के मुख्यालय में आई आयोजित विशेष कार्यक्रम के बीच संपूर्ण सुरक्षा अपना कर ओलंपिक डे मनौने अछि। ओलंपिक डे के अवसर में युवा तथा खेलकूद मंत्री इकबाल मियां नेपाल के झंडोत्तोलन कयने छलखिन। ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी के झंडोत्तोलन कयने छलथि।
कार्यक्रम में मंत्री मियाँ नेपाली खेलकूद विकासक लेल सामूहिक प्रयास आवश्यक रहल आ अपने नेपाली खेलकूद के विकास में सब प्रकार से सहयोग कर तैयार रहल बतौलन। वो मंत्रालय के होवला खेलकूद संबंधी सब काम में खेल क्षेत्र के व्यक्ति सब संग सलाह आ सुझाव लेल जेबाक जिक्र कलन। यो चाहिँ मलाई यसलाई चाहिँ म यो यति राम्रो बनाइदिन्छु यो गरिदिन्छु भने एक्लैले कोही सक्न चाहिँ सक्दैन बनाउनुलाई। हाम्रा मान्य जीवनराम श्रेष्ठज्यू पनि भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ यो ओलम्पिकलाई चाहिँ धेरै राम्रो बनाइदिन्छु यो गरिदिन्छु भनेर त्यो चाहिँ टिम स्पिरिट चाहियो। हामी सबैजनाको समन्वय सहकार्य र ले चाहिँ गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई राम्ररी बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै म पनि एकदम साथमा छु र साथमा रहन्छु। जहाँ सहयोगको लागि अपेक्षा राख्नुहोस् म त्यसमा हाजिर छु। अब धैना ओलम्पिक कमिटी के अध्यक्ष श्रेष्ठ अवसर में ओलम्पिक डे के आयोजना में नेपाली खेलकूद आ समग्र समाज में भातृत्व आ शांति बढ़त बतौले। तर ओलम्पिक भन्दाखेरि यसले समेटेका जुन क्षेत्रहरु छन् यसले दिन खोजेका मानव समाजलाई दिन खोजेका जुन सन्देशहरु छन् विश्वलाई दिन खोजेका जुन सन्देशहरु छन् यो सन्देशलाई पुगेर हामीले पनि हाम्रो देशमा यो व्यापक बनाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने उद्देश्य सहित केही समयदेखि हाम्रो स्पोर्ट्स फर अललाई यो जिम्मा दिएर र ओलम्पिकको तर्फबाट अतरे मन्त्री मिया आ अध्यक्ष श्रेष्ठ बीच मैत्रीपूर्ण टेबल टेनिस सेहो भेल छल। नेपालमे सन् 2011 सँ प्रत्येक वर्ष ओलम्पिक डे मनबैत आयल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम मुस्ताङ में नेपाली स्वास्थ्यकर्मी सब कोरोना खोप नदी में कने वीडियो ट्वीट करे प्रशंसा कने अछि। अखार 1 गते मुस्ताङ के छाप्तांग नदी में पानी भरलाक बाद खोप लगेबाक डर से स्वास्थ्यकर्मी सब लाठी के सहारा से नदी आर पार भेल छल। सामाजिक संजाल के नेपाली प्रयोगकर्ता सब बीच वायरल भरल ओ दृश्य के WHO के महानिर्देशक ट्वीट करत उच्च प्रशंसा कने छल। भारत में कोरोना वायरस से दैनिक संक्रमित के संख्या में कमी होत जा रहल अछि। पछिला किछु दिन से दैनिक संक्रमित के संख्या में निरंतर कमी होत गेल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वजनिक के तथ्यांक से देखल अछि। मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार पछिला 24 घंटा में भारत में 60,753 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेल अछि। पछिला तथ्यांक देखला पर दैनिक संक्रमित के संख्या में 2.98% के दर से कमी होत आयल मंत्रालय जनौलक अछि। भारत में पछिला 24 घंटा में 1,647 गोटे के कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेल देखल गेल अछि। एहि तरह वही अवधि में कुल 97,743 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त भेल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख कयल गेल अछि। भारत में एखन धरि कुल 2,98,23,546 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेल अछि। ओहि में से 7,60,019 गोटे एखन सेहो संक्रमित अवस्थी में रहल भेटल अछि। कोरोना वायरस के जीत का संक्रमण मुक्त भेल सबके कुल संख्या 2,86,78,390 रहल अछि। भारत में आवे वाला अक्टूबर धरि में कोरोना वायरस के तेसर लहर आवश्यकबाक चेतावनी देल गेल अछि। दोसर लहर के संक्रमण किछ नियंत्रण में आयल समय स्वास्थ्य विज्ञ सब फिर तेसर लहर के जोखिम रहल चेतावनी देलक अछि। मुदा कोरोना विरुद्ध के खोप के कारण तेसर लहर के असर किछ कम परत अनुमान कयल गेल अछि। तेसर लहर में बाल बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र समूह के जोखिम बेसी हेबाक अनुसंधान से देखलक अछि। बाल बच्चा की हो सकबाक जोखिम रोकबाक तैयारी भरल भारत सरकार जनौलक अछि। भारत में पिछला 24 घंटा में 60,800 नया संक्रमित भेटल अछि। यावधि में कोरोना के कारण 1,269 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत के धावक मिल्खा सिंह के निधन भेल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण भेलाक बाद इलाज में रहल हुनकर निधन भेल भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। 91 वर्ष के हुनकर चंडीगढ़ अस्पताल में इलाज के क्रम में निधन भेल अछि। हुनका पिछला मई 20 तारीख में कोरोना के संक्रमण भेल छल। जून 3 तारीख में अस्पताल में भर्ना भेल हुनका जून 13 तारीख धरि ICU में राखल गेल छल। ओहिके बाद कयल गेल स्वास्थ्य परीक्षण में हुनकर रिपोर्ट निगेटिव आयल छल। मुदा फिर स्वास्थ्य में समस्या देखल गेलाक बाद हुनका ICU में भर्ना कयल गेल छल। इलाज के क्रम में हुनकर मृत्यु भेल अछि। 5 दिन पहिने हुनकर कनिया के सेहो कोरोना के कारण मृत्यु भेल छल। सिंह 200 मीटर आ 400 मीटर दौड़ में बहुतो पदक सब जीतने अछि।
सिंह स्वतंत्र भारत के पहले धावक छलखिन जे 1960 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने छलखिन। वो भारतीय सेना में सेहोरल छल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकर निधन प्रति शोक व्यक्त कैलन। बेस त टुडे प्राइम समाचार अखन के लिए एतवे हम प्रमुख विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। सुरक्षित रहे। नमस्कार।